हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बहुत बेसब्री से वेट था। हम लोगों को भी वेट था और आप लोगों को भी बहुत बेसब्री से वेट हो रहा था इस पल का। और अब जो है भाई और भाभी की होगी जयमाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही कितने ज़्यादा नर्वस हैं, और साथ ही साथ ना हम लोग इनको चिढ़ा भी रहे थे तो इस वजह से हंस भी रहे थे। एंड ये जो जयमाला दे रही हैं लड़की को, ये है उनकी बहन। और ये वाला मोमेंट ऐसा था जिसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसको चिढ़ाने लग गए थे। तो जैसे ही भाई ने जयमाला के लिए सर नीचे झुकाया तो हमारे जो और कज़न ब्रदर्स हैं उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल झुकना नहीं है, और ये सिर्फ एक मजाक मस्ती चल रही थी। एंड हम लोग कोई भी फैमिली मेम्बर स्टेज पर नहीं गए थे। रख लो, अपने आप वापस देना पड़ेगा, कंप्लेंट मार देंगे। दिल तो हमारे नाम है। 12:30 हो गए। अभी से करना। इधर रख दे। चल देना यार। अरे वैसे करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने इतना तो आना जाना करना नहीं है। और सबका फ़ोटो सेशन वगैरह हो चुका है और यहाँ पर बस ये लोग अभी खाना वाना खाएंगे और इसके बाद जो है शादी की जो आगे की रस्में होती हैं वो शुरू होंगी। और इसके बाद जो सबसे पहली रस्म होती है वो होती है गोत्राचार की रस्म, जिसमें कि लड़की को सारा गोल्ड का जो भी उसका सामान आया होता है, जो भी गोल्ड की ज्वेलरी आई होती है वो पहनाई जाती है। क्योंकि फेरों के टाइम हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनते, सिर्फ गोल्ड ही पहनते हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट एक लड़की के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कन्यादान। तो गढ़वाल में किस तरीके से कन्यादान की रस्म होती है आप देखिए। और ये जो कन्यादान की रस्म होती है ये हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पल होता है, सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं, उसके मम्मी और पापा के लिए और घर के हर फैमिली मेम्बर के लिए। तो यहाँ पर जो है लड़की की मम्मी हैं, पापा हैं और उनकी बहन भी है, और यहाँ पर कन्यादान चल रहा है। और कन्यादान की जो रस्म है वो हो चुकी है और अब यहाँ पर होंगे फेरे शुरू। और हमारे यहाँ गढ़वाल में ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के जो मम्मी पापा होते हैं वो फेरे नहीं देखते हैं अपनी बेटी के, तो इसलिए इस समय उसके मम्मी पापा जो हैं फेरों में नहीं होंगे, बाकी सब जो घर के जितने भी लोग हैं वो सब फेरों में बैठे हुए हैं।
ये जो फेरों के बीच बीच में आप मंगल गीत सुन रहे हैं तो ये फेरों से ही रिलेटेड होते हैं, और फेरों से रिलेट करते हैं तो ऐसा होता है कि लड़की जितने फेरे लेती है हर एक फेरे में वो मंगल गीत गाते हैं। और ये लास्ट फेरा होता है जिसमें कि सात बत्तियां जलाई जाती है, जिसमें से एक बत्ती को छोड़कर जो है ना लड़की सातों बत्तियों को बुझा देती है, कि कहते हैं कि अब सारे रिश्ते छोड़ के तोड़ के जो है लड़की आ रही है अपने पति के घर। पूरा मुंह में डालो एक बारी में, पहले खाना है आपने। भैया हम ही जीतेंगे भैया, भैया पूरा भी। अरे क्या यार, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है पहली सोच ली। अरे मेरा बढ़ गया था एक बारी। जाई